दिल्ली में शराब हुई महंगी, सरकार ने एमआरपी पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाए। नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सोमवार रात बड़ा फैसला लेते हुए शराब के रेट में 70% बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली सरकार ने यह टैक्स स्पेशल कोरोना फीस के तहत बढ़ाया है। बढ़े हुए दाम मंगलवार से लागू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने एमआरपी पर 70% टैक्स की घोषणा की है, यानी दिल्ली में जो शराब की बोतल 1000 रुपये में मिलती होगी वो मंगलवार से 1700 रुपये की मिलेगी। इससे पहले सोमवार दिन भर शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर है, पर शराब के शौकीनों को बस बोतल दिखाई दे रही थी। लॉकडाउन 3.0 के पहले ही दिन मिली छूट के कारण दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। बड़ी संख्या में लोग शराब की दुकानों पर उमड़े, जिसके कारण कई जगह भगदड़ की स्थिति भी बनी। दिल्ली में ऐसी स्थिति बनने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी भी जाहिर की। शाम में उन्होंने साफ कहा कि अब अगर लोगों ने दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो हम पूरा एरिया सील कर देंगे। इतना ही नहीं, अगर दुकानों के सामने ऐसी स्थिति बनी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रात में सरकार ने भीड़ कम करने के लिए शराब के दाम बढ़ा दिए। माना जा रहा है कि रेट बढ़ाए जाने से दुकानों पर भीड़ घटेगी। सोशल डिस्टेंसिंग तार तार होने की तस्वीरें सामने आने के बाद केजरीवाल सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। सोमवार शाम में सीएम केजरीवाल खुद सामने आए और उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने छूट दी थी। आज सोमवार को मुझे यह देखकर दुख हुआ कि लोगों ने कुछ दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, इस कारण वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। इससे आपका ही नुकसान हुआ। यदि वहां किसी को भी कोरोना था तो वो आपको भी हो सकता है। देश के कुछ स्थानों पर शराब की दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का उल्लंघन किया गया। गृह मंत्रालय ने सोमवार से लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी और ग्रीन तथा ऑरेंज जोन में शराब और तंबाकू की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को खुली शराब की दुकानों में से कई को भीड़ के अनियंत्रित होने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन न करने की वजह से बंद करना पड़ा। कई जगह भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा।